नमस्कार, मैं आर एस चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा। दोस्तों, यूपीएससी सीएमएस एग्जाम का शेड्यूल जारी हो गया है और इसका नोटिफिकेशन 21 मई 2024 को निकल गया है। पूरा शेड्यूल जानने से पहले मैं आपको बताऊं, इसका जो जॉब का नोटिफिकेशन था वो अप्रैल के महीने में निकला था और इसका रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक चला था। जिन बच्चों ने इसका सीएमएस का रजिस्ट्रेशन किया है, अप्लाई किया है, उनके लिए ये शेड्यूल लाभदायक है। इनका नोटिफिकेशन 21 मई 2024 को निकल गया है और उस नोटिफिकेशन को, आप शेड्यूल के नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाएं। इनकी वेबसाइट है upsc.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 21 मई 2024 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें टोटल 827 पोस्ट थी और 827 में से कौन कौन सी पोस्टें थी मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेडिकल ऑफिस ग्रेड 1 के इन जनरल में 163 पोस्ट थी और असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के 450 पोस्ट थी और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 14 पोस्ट थी। टोटल मिलाकर के 827 पोस्ट थी और ये 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और 30 अप्रैल 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन चला था। इसका करेक्शन 1 मई 2024 से लेकर के 7 मई 2024 तक चला था। अब इन्होंने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक इनका जो पहला पेपर होगा वो 14 जुलाई 2024 को होगा। 14 जुलाई 2024 को इनका पेपर। दोस्तों, इनके शेड्यूल के मुताबिक जो पहला पेपर होगा इनका, वो इनका 14 जुलाई 2024 को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इन्होंने दो शिफ्टों में पेपर किए हैं। दूसरा शिफ्ट इनका दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलेगा। दोनों शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में जनरल मेडिसिन का होगा और दूसरे शिफ्ट में सर्जरी, गायनोलिस्ट, सोशल मेडिसिन और प्रिवेंटिव का होगा। जिन बच्चों ने ये 10 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक ये अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वो इसका एग्जाम का शेड्यूल देख सकते हैं। 14 जुलाई के लिए आपके पास काफी समय है, आपने पूरी तैयारी की होगी, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और 14 जुलाई 9:30 बजे इनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 बजे तक चलेगा। आप इनकी टोटल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें इन्होंने सेंटर वगैरह सभी कुछ दिया हुआ है, तो जब आप इसको पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट पर इनका नोटिफिकेशन 21 मई 2024 को निकल गया है। जो पेपर इनके होंगे वो 250 नंबर के होंगे, यानी टोटल पेपर इनका 500 नंबर का होगा। पहला पेपर 250 का, दूसरा पेपर 250 नंबर का, दोनों पेपर इनके 500 नंबर के होंगे। उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इनके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्जाम देने के बाद जो अंक, जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका पहले शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद ही इनका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो मेडिकल एग्जाम में पास होने के बाद इंटरव्यू में भी पास हो जाएंगे। तो आपके पास रिवीजन करने का काफी समय है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। 14 जुलाई से इसका स्टार्ट होगा। इसमें टोटल पोस्ट 827 थी
और ये अप्रैल के महीने में मैंने वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा होगा तो आप अभी भी उसको देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें मैंने दे रखी है। तो दोस्तों ये था कंबाइंड मेडिकल सर्विस का शेड्यूल, उम्मीद है आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।